पहले मुझे एक बात बताओ, मार्केट में एक अफवाह चल रही है क्या कि 7 लाख होने पे तरुण एंगेजमेंट कर रहे और घर ले रहे हैं? करते हैं तो क्यों ना आप सब लोगों के लिए एक ऑफर जो है वो लॉन्च किया जाए। यार मुझे लग रहा है सीट आगे कर लीजिए। क्या ऊपर ऊपर एक ओ गया, टूट गया चांद गड्डी। ओए गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब गुड मॉर्निंग ही है बिकॉज अभी तक 12 नहीं बजे हैं। जब तक 12 नहीं बजेंगे तब तक गुड मॉर्निंग ही रहेगी। तो आज का सीन है कुछ ऐसा, जैसा कि आपको पता है फॉर्चुनर का काम जो है हमने वो करवाया था, तो आज चेक करना है कि उसमें जो एक्सल की सीलियां कहीं वो वापस लीक तो नहीं कर रही। गाड़ी रोहन भाई के पास लगी हुई है, तो मैंने कहा था कि आपने इसे एक साफ सी जगह पे खड़ा करना ताकि इसके नीचे अगर कोई लीक वीक हो तो वो हमें दिख जाए, पहली चीज। उसके बाद अब हमें कहा गया है कि कुछ दिन हमें जो है फॉर्चुनर ही चलानी है और उससे हमें पता चलेगा कि भाई और कोई दिक्कत है कि नहीं है। ये आगे दूसरी चीज, जिमनी में नंबर लग चुका है, थार यहाँ पे खड़ी है। और अब आ जाती है बात फॉर्चुनर में मॉडिफिकेशन की। मैंने ये एज अ फैमिली कार ली और इसमें मैंने कुछ नहीं किया तो कॉन्टेंट गया, जो चैनल उठ रहा है उसका क्या होगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करवानी ही पड़ेगी। एक ना बड़ी सच्ची सी चीज है जो मैं बोल रहा हूँ, मैं धर्मराज युधिष्ठिर नहीं हूँ कि मैंने जो एक बात बोल दी अपने मुंह से ठीक है तो वही वैसी होगी। और ये बातें कैसी बातें हैं, ये कोई वैसी बात नहीं है जो मैंने किसी से कमिटमेंट की है। ये एक कह दी बात, हाँ भाई ये मेरी फैमिली कार है अब मैं उसे मॉडिफाई करवा रहा हूँ, ये तो कोई बातों की बात थोड़ी है। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करो, मस्त एंजॉय करो। बाकी आज देखो मैंने ड्रोन भी रखा हुआ है, लैपटॉप का बैग भी रखा हुआ है, चश्मा भी रखा हुआ है और खुद को भी रखा हुआ है। तो ठीक है, निकलते हैं, सीधा चलते हैं रोहन भाई के पास, गाड़ी को छोड़ते हैं वहीं पे और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। फॉर्चुनर अपनी भी रेडी हो गई है और रोहन भाई ने बताया मुझे कि जहाँ पे शाम को लगाई हुई थी कुछ लीकिंग वीकिंग कुछ वैसा नहीं है। तो ये एक ट्राइपॉड है, ये मैंने ले लिया, रोहन भाई को बोला वो गाड़ी बाहर निकाल देंगे। और जी ठीक हो, क्या हाल चाल सुनील भाई? बढ़िया बढ़िया। जो ये दाग सा दिख रहा है ये करवाना है, फिर क्या पता है एक दाग कराया तो दूसरा कोई रेडी बैठा हो लगने के लिए। रोहन भाई टायर टच कर रहा है, टायर तभी तो लिफ्ट आएगी। ओके सर, आ गए हैं जहाज में, जहाज ही है ये, तो अभी जाएंगे अक्षिबिया के पास क्योंकि दिवाली आ रही है। तो एक कोई ऑफर लॉन्च करना है, हमने काफी दिन से हमारी बात चल रही थी, फिर हमने सोचा जैसे गिवे भी अपने अनाउंस कर दिया ना, तो फिर हमने सोचा कि ऑफर जो है वो भी अनाउंस करते हैं। तो सीधा वहां पहुंचता हूं और बताता हूं कि क्या ऑफर है, जम्मू वालों के लिए स्पेशल रहने वाला है। सर्विस करवाने के बाद ना चीजें जैसे फील हो रही है इसमें, जो एक इसकी शाफ्ट आवाज करती थी ये देखो, मतलब वो शाफ्ट क्या झटका मारती थी। सर्विस क्या है वो तो ग्रीस का मसला था, लेकिन उस दिन जिस दिन ग्रीस करवाई ना उस दिन भी झटका मार रही थी। जैसे सपोज अभी देखो मैंने पहले गियर में डाली है ना, देखो नहीं तो जैसे जकदम छोड़ो तो वो ढक के करके आवाज आती थी, वो निकल गई है। प्लस स्टेयरिंग वेयरिंग थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है, मेंटेनेंस तो चाहिए ही है, 200-300 किलोमीटर ये गाड़ी चलानी पड़ेगी, उसके बाद अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो मतलब ऑल सेट है, फिर हम इस गाड़ी को लेकर ट्रिप पे निकल सकते हैं। क्योंकि नई नई गाड़ी लेकर ना ट्रिप पे जाने का तो फील ही कुछ अलग है। गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं, ये देखो अक्षय भाई का फोन आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ, जब मैं इसको स्टेयरिंग काट रहा हूँ ना मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है, और मैंने देखा क्योंकि इसकी 4x4 की लाइट तो जलती नहीं है, इसका लीवर इधर ढला हुआ था, मतलब लो में नहीं इसमें हाई में ढला हुआ था, पता नहीं किसने डाल दिया क्या किया। हाई डिफरेंशियल लॉक पे चला रहा हूँ इसको। एक्चुअली क्या है ये, पहले मुझे एक बात बताओ, मार्केट में एक अफवाह चल रही है क्या कि 7 लाख होने पे तरुण एंगेजमेंट कर रहे और घर ले रहे हैं? ये कौन सी, ये किसने उड़ा दिया? तभी वो सेकंड हैंड गाड़ियां ले रहे हैं, नहीं तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेता है। ऐसी है मार्केट में अफवाह? मार्केट में अफवाह है, इस अफवाह को सच कर देंगे। सच है ये? नहीं सच नहीं है, एंगेजमेंट हो रही है। कॉकटेल जम्मू में या सुंदर बनी? अब कौन सी सच है मेरे को नहीं, मेरे को बड़े लोग पूछ रहे हैं। नहीं भाई एंगेजमेंट का भी तो मैं छोटा बच्चा हूं, मेरी शादी करने की उम्र ही नहीं है अभी। ओके अक्षय भैया, टेक वन में हो जाएगा? हो जाएगा। बाल बाल ठीक है? सब सही है। जीतू भाई के पास भी जाना है, लंबे हो गए ज्यादा है। ओ सुपर सेक्सी, ठीक है ना? ओ चकाला चश्मा भी ठीक लग रहा है बिल्कुल। तो गाइस आ चुका है, जैसे मैं आपको बता रहा था ना एक दिवाली ऑफर की हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर से सोच रहे थे, फिर कहा यार जैसे सब लोग देखते हैं इतना प्यार भी करते हैं तो क्यों ना आप सब लोगों के लिए एक ऑफर जो है वो लॉन्च किया जाए। और फाइनली हमने डिसाइड किया कि वो ऑफर कैसे आएगा। जैसे गाड़ी में एलईडी लाइट्स की जरूरत रहती है, मैंने अपनी जिमनी में डाली हुई है, अभी मैं उसके बाद अपनी फॉर्च्यूनर में भी डालूंगा। किसी को भी लगता है कि जैसे उनकी गाड़ी की लाइट कम है, रोशनी कम है और आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप ये जो एलईडी है R8 सीरीज है 6500 केल्विन, हाँ 6500 केल्विन वाली, तो ये खरीदने पे आपको, ये इंस्टॉल करवाने पे आपको एक मोबाइल होल्डर ठीक है, प्लस ये रिवर्स कैमरा, ये रिवर्स कैमरा हाँ HD, हाँ HD रिवर्स कैमरा आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। लेकिन ये जो ऑफर है ना, ये ऑफर सिर्फ दिवाली दिवाली तक है, और बाकी अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है
तो यहाँ पे जो है कैमरे का प्राइस ये भी मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद मोबाइल होल्डर का प्राइस भी कहीं ना कहीं मेंशन होगा, ये भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ऑफर जो है वो है लिमिटेड समय के लिए, तो अगर कोई भी है जम्मू से है चाहे कोई बाहर से भी है, बाहर वालों को तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जम्मू में जो भी है जो वीडियो देख रहे हो, तो लाइट अपग्रेड करानी है, अच्छा मौका है, लाइट तो अपग्रेड होगी, साथ में ये भी आपको मिल जाएगा। बाकी पता ही आपको शॉप की लोकेशन मिनी मार्केट में सर्च करना है, आपने सर्च करना है मेन मार्केट कार एक्सेसरीज, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, सोचा चलो हमारी तरफ से भी एक ऑडियंस को गिफ्ट दिया जाए, ठीक है भैया, इन कोलैबोरेशन विद कार एक्सेसरीज, ठीक है। संजय भैया क्या चक्कर है, मिलते ही नहीं हो आप तो? आप आते नहीं है सर, हम नहीं मिलते सर, ये आजकल कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं सर। तो अभी मसला ये है अक्षय भैया, ऑफर की शुरुआत मेरे से ही करो ना, बस इसी क्योंकि मेरे को भी फॉर्च्यूनर में जो है हेडलाइट मतलब इसकी ना रोशनी कम है, दिक्कत होती है, और प्लस फ्री में अगर कैमरा तो इसमें लगा हुआ है, कैमरा तो लगा हुआ है, तो हम जिमनी में या जो अभी गाड़ी आ रही है उसमें लगा देंगे ना कैमरा, जिमनी में भी है लेकिन जो आने वाली है उसमें लगा सकते हैं। अभी तो मुझे कुछ काम है उसके लिए मैं निकल रहा हूँ, और अभी अक्षय भैया के पास भी शॉप पे दो तीन गाड़ियां लगी हुई हैं, तो हो सकता है शाम को हम आके ये वाला काम जो है वो शाम को ही करवाएंगे, ठीक है, ठीक है। फ्री हो गए कॉल कर देना, कर दूंगा, और स्पॉइलर में निकाल रहा हूँ, स्पॉइलर और बाकी चीजें, बंपर चीजें भी डन है, बंपर नहीं फिलहाल कुछ और कर रहा हूँ। जो एक मेन अनाउंसमेंट थी वो कर चुके हैं, फ्रेंड हैं अपनी, उनसे आप पहले भी मिल चुके हो, तो वो जम्मू आई हुई हैं, तो मैंने कहा उनसे मिल लेते हैं, आपको भी मिलवाते हैं, एक्चुअली वो वे मॉल के पास वेट कर रहे हैं, तो वहीं से उन्हें पिक करना है, तो चलो। क्या पीछे बैठ रहे? अच्छा शॉपिंग की है गाइस, देख रहे हो आप लड़कियों की शॉपिंग, मतलब क्या ही हम बताएं आपको, पैसा हो तो ऐसा हो, नहीं तो नहीं हो, जी तो हम भी रही हैं। पानी अपना साथ नहीं, क्या क्या हाल चाल है, ठीक है आपके, और क्या शॉपिंग क्या की आपने, बता रहा मेरे को? नहीं शॉपिंग नहीं यार, मेरे कुछ सामान था वो लेना था। मेरे को एक बात बताओ, कैसी लगी आपको गाड़ी हमारी? अच्छी है, अच्छी है, ये मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा हूँ कि सच में अच्छी है, हवा ठंडी आ रही है इसमें, थोड़ा सा फर्क कह रहा है। मुद्दे की बात क्या, पहले ये बताओ, तो मैंने एक चीज देखी, जैसे ना सूर्या क्या है ये ना सोलो ट्रेवल कर रही है, सोलो, अभी आप कहाँ गए थे? सोलो मैं गई थी कुल्लू वाली साइड, चलाल, कसोल। तो मेरे को ये पूछना है कि कोई मिलता नहीं है या कोई चाहिए ही नहीं साथ में? यार मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप में ना बड़ा क्योस हो जाता है, मतलब हाँ। एक तो जितने लोग हैं उतनी उनकी अलग अलग इंटरेस्ट है, और फिर माननी सुननी नहीं एक दूसरे की बात, किसी ने लड़ाई बीच में हो जाती है, तो इसलिए छोटा ग्रुप हो या तो दो तीन, नहीं छोटा तो अलग है, सिंगल ही चल रहा है ना, मतलब सोलो चल रहा है, सोलो का कि आपको जहाँ जाना है मर्जी से जाना है। अच्छा टेंशन नहीं, बस एक जहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है वो शूट करने की आती है, पर वो भी मैं कर रही हूँ, ट्राइपॉड का स्टैंड लगा लिया ना, जैसे अब ट्रैवल का देखो मेरे को मन तो करता है, लेकिन सोलो के नाम से तो मैं थोड़ा सा घबरा ही जाता हूँ, मैं भी हाँ? पर नहीं, फिर मैंने जब मैं इनकी स्टोरी देखी मैंने कहा यार हिम्मत तो है, फिर मैंने कहा इनसे मिलके थोड़ी सी मोटिवेशन लेंगे हम भी कि भाई कैसे ये सोलो ट्रेवल कर लेती हैं, मेरे को भी ले चलो ट्रिप पे साथ में, चलो करो, हाँ। मैं तो कह रही हूं। पक्का पक्का गाइस, आपका क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में बताना। गाड़ी चलानी है आपने? चलाते हैं, ऑफ रोड कर लेते हैं, ऑफ रोड, हाँ पहले तो चाय पियेंगे फिर उसके बाद चलते हैं। चाय हमारी आ चुकी है, ये है सैंडविच, क्लब सैंडविच बोलते हैं कौन सा यार, पता नहीं है, मतलब जो मतलब हेल्थ कॉन्शियस जो फूड ब्लॉगर लोग हैं ना उन्हीं को पता है खाने में बेस्ट क्या है, और एक तो फोन इतने आ रहे हैं, देख रहे हो बिजी लाइफ, देख सकते हो अभी हम कहाँ आए हुए हैं। तो मैंने कभी यहाँ ना चाय ट्राई नहीं करी, ऐसा कोई पेड प्रमोशन जैसा नहीं है, जब हम ये नहीं कह रहे कि, बट चाय बहुत ज्यादा अल्टीमेट थी, तो भाई का पता नहीं नाम इतना खराब कर दिया हुआ है मार्केट में सोशल मीडिया ने कि पता नहीं क्यों, बट चाय अल्टीमेट थी, और हमें थोड़ा सा अच्छा भी रहा क्योंकि भीड़ नहीं थी, तो हम आराम से बैठ के गपशप भी लगा पाए। तो अभी जाएंगे फॉर्च्यूनर के ऑफ रोड टेस्ट के लिए और मैडम के ड्राइविंग टेस्ट के लिए, देखते हैं चलाना चलाना भूल तो नहीं गए हैं, 6 महीने की पहले की बात है, तब कार चलाई थी वो भी ऑटोमेटिक, चला लोगे ना, आगे से पहले ही लगी हुई है, मेरे को तो धक धक हो रहा है अभी से, बाकी तो चलो अभी जब हम ऑफ रोड पे जाएंगे तो देखेंगे। हम आ चुके हैं एक ओपन सी जगह है, बेसिकली क्या है मैंने ना गाड़ी चलाने के लिए पहले ही बोला, इन्होंने कहा क्योंकि गाड़ी ना बहुत बड़ी है, तो फिर मैंने कहा इनकी बहुत बड़ी गाड़ी के लिए बहुत बड़ी हमें जगह भी चाहिए, यार मैं कुछ छोटी सी हूँ, गाड़ी बहुत बड़ी है, बहुत पावरफुल है, हाँ देखो ना इधर आपको यहाँ भी जगह है, बस वो उस पे नहीं जाना है आपने, ठीक है उस वाले पे नहीं जाना, ठीक है बाकी आप सीधा जितना मर्जी ले जाओ जगह ही जगह, जैसे मैं यहाँ से सीधे उसी को मारूंगी यार, वो तो पता चलेगा ना, फिर आपको चेक करें आपकी ड्राइविंग, आ जाओ, गाड़ी तो क्या शानदार लगती है अपनी, कारगर्ल बना देना आपको, आपको गाड़ियों में इंटरेस्ट हो नहीं हो लेकिन हमने दिखा के छोड़ना है, चलो ये आगे नहीं होगी, मतलब उतर के करनी पड़ेगी, पाँव नहीं तो पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहे, पीछे ना रहे, अच्छा ऐसे तो कैच दबाओ पूरा, दब रहा है, थोड़ा हार्ड है, हार्ड है, अरे मजा आ रहा है, तो चलिए दबाओ फिर क्लच,
चल तो ये शीशा नीचे कर लेंगे पूरा। गाइस चलो जी, हरिओम, ओम नमः शिवाय, भगवान जय माता दी। चलो धक धक हो रहा है यार, मुझे लग रहा है सीट आगे कर ली चाहिए, जब मैं क्लच दबा रही हूँ ना तो दब नहीं रहा है, मुझे बहुत ऐसे मतलब वो करना पड़ रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, रुको रुको रुको, हैंड ब्रेक सक्सेसफुली डाउन। हाँ चलो जी, क्लच दबाया हुआ है, इशू आ रहा है, नहीं दब रहा पूरा, नहीं पूरा हो रहा है। हाँ ठीक है चलो करते हैं, डालो पहला गियर। ओके डल गया। वो यार आप तो फाइटर हो। हाँ बहुत फाइटर हूँ मैं, थार के टाइम में आपने ही बोला था। यार आपने इतने आराम से गाड़ी का क्लच उठा दिया, तो डालो दूसरा गियर, डालो गियर क्लच पूरा दबाओ पहले। हाँ छोड़ो, गियर बड़ा हेवी सा लग रहा है ऐसे, हार्ड हार्ड सा। ये फॉर्च्यूनर है, टोयोटा फॉर्च्यूनर, ये थार थोड़ी ऑटोमेटिक। बच्चे हैं? हाँ। वही तो मैं कह रहा था, स्कूल में बच्चे ही हैं। स्कूल लगा हुआ है, वो बोलेंगे। चलो जी ये तो ऑफ रोडिंग पे आ गए, जिधर मर्जी से निकालो। कौआ कौआ है, कौआ है, नीचे नहीं आ जाना, पता नहीं है तेरे को सूर्या गाड़ी चला रही है। देखो भाई भाग गया, भाग गया, उसको पता है ना अंदर कौन बैठा हुआ है, जान प्यारी नहीं है क्या उसको? कोई मूवी है ना सूर्या कुछ? हाँ भाई, मेरे को वही बोल के चढ़ाते रहते हैं। यार एक मिनट रुक जाओ, ये रास्ता बंद हो गया है, रास्ता बंद हो गया है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है। ये जो रास्ता दिख रहा है ना यार, मुझे तो नहीं 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 ना ना, यहाँ से वहाँ ले जाओ ना। हाँ यहाँ से पूरी स्टेरिंग घुमाओ, पूरा घुमा दो, काट दो आराम से आराम से आराम से, ब्रेक लगा के ब्रेक लगा के ब्रेक लगा के ब्रेक लगा, पसीना आ गया, पत्थर बजा, पसीना आया। ठीक चलो जान दो जान दो जान दो, हाँ घुमाओ, जान दो जान दो जान दो, हे हरी राम। चलो जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये पत्थरों के बीच से सीधा उधर पार। सूर्य दा डॉन ऑन ड्राइविंग सीट, सूर्य दा डॉन गाड़ी थोड़ी उस साइड रखो। ओके दो दो कैमरा से फोकस ना पा रहा है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इधर इधर, मेरी साइड मेरी साइड मेरी साइड, अरे भाई मेरी साइड मेरी साइड, इधर इधर इधर, मेरी साइड पूरा काटो, उधर उधर नहीं, हाँ मेरी साइड मेरी साइड मेरी साइड मेरी साइड, हे भगवान। बस 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 सीधा सीधा, एक्चुअली इधर दिक्कत ये है, यहाँ पता नहीं रेत कहाँ है ना, तो ये दस जाएगी गाड़ी, तो वो दिक्कत है। मजा आया चला के? थोड़ा ज्यादा डरना ही है गाइस, डर नहीं लगता है आपको? बताओ मौत से किसको डर नहीं लगता है? यहाँ तो थोड़ा सा फॉर्च्यूनर का ना टेस्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, क्या करती है, कुछ मतलब मन है मतलब 4x4 को चलाने का। आज मेरे को रियलाइज हुआ आप कैसे करते हो ये सोलो वाला काम। उफ पसीने आगे, एक ट्राईपॉड पे रख के रील बना रहे थे, वो आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगी, इनके भी और मेरे भी। तो अभी थोड़ा सा ऑफ रोड का मन है तो वो ट्राई करते हैं। ऑफ रोडिंग का वहाँ पे ट्रायल चल रहा है, फॉर्च्यूनर का तो आज अच्छा दिन निकल गया यार। तो क्या ऊपर ऊपर गया, टूट गया टूट गया। लो जी गाइस हो गया काम यहाँ पे, वो देखो। यही तो होना था, इसी की तो कसूमत थी। ये देख रहे हो तुम लोग सामने, और ये देखो क्या मैंने कल ठीक करवाया था। आप भाई आपकी माय गॉड, ए ते चंगी नहीं हुई मेरे को, उठा लो इसका। पोपट हो गया, पोपट। एक्चुअली मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने सोचा हो जाएगा क्रॉस, इसको लोहे का बम्पर लगा। देखो मैंने गाड़ी ठीक चलाई, आपने क्या किया, और गाड़ी का देखो गाइस, देख रहे हो तुम लोग, ये देखो। मुझे बोल रहे थे कि ध्यान से, मुझे कहीं कल 300 रुपया देकर ठीक करवाया। चलो अभी घुमाते हैं फिर इसको, चलो घुमा लो। मुझे बोल रहे थे कि ध्यान से चलाना ध्यान से चलाना है, खुद ही गाड़ी का देखो, चांद गड्डी, हाय हाय हाय। अब बम्पर भी तोड़ दिया, ऑफ रोड तो करना ही पड़ेगा इतना, कुछ तो जाए वर्थ है। चलो 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 चलो, हाय हाय हाय, आज के दिन चली जाएगी ऊपर।
फाइनली शुक्र है, गाड़ी का हालत देख लो यार, गाड़ी की हालत। पर यही तो है ऑफ रोडिंग, जब मैंने बम्पर टूटा है गुस्सा निकाला। बेचारी फॉर्च्यूनर टूटी और फॉर्च्यूनर पे निकाला है, इसी गलती है क्यों टूटी, इसको नहीं टूटा। ये देखो हाँ थोड़ी यहाँ तक छींटे पड़ी हैं, पर ठीक है, अब जहाँ से आपने गाड़ी निकाली है यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। बाकी ये माँ अभी ठीक करवाया था यार, क्या करूँ मैं इसका, अभी जो शायद अगर दो तीन बार ऐसे टूट गया तो शायद अब ये ठीक भी नहीं होगा। चलो अब जो होगा तो देखा जाएगा। अब मेरे को आ चुका है सूर्यादा डॉन की ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस, इसलिए हम गाड़ी इनको दे रहे हैं और ये गाड़ी रोड तक लेके जाएंगे। हमारा भरोसा ना तोड़े आपसे इस चीज की, बिल्कुल नहीं, हम आपकी तरह भरोसा नहीं तोड़ेंगे। मैंने कहा गाड़ी का हम को ड्राइवर सीट पे बैठे हैं और कोई लड़की गाड़ी चला रही है जिसकी ड्राइविंग पे मुझे कॉन्फिडेंस आए, दिल में धकधक ही होता रहे तो मजा नहीं है। और इनका नाम हमने डिसाइड कर लिया है, शी इज सूर्या द डॉन, ठीक है ना। तो सूर्या द डॉन चला रहे हैं गाड़ी, आ रहा है मजा, चैनल हैक हो चुका है। और एंड इस बार मैं कर रही हूँ वीडियो का, आज बढ़िया दिन था, गुड शो एकदम। और फिलहाल अच्छी अच्छी वीडियोस बना के अच्छे अच्छा खाना खा के हम जा रहे हैं, अभी नरवाल पहुंचे। और कुछ बोलोगे आप? कुछ दिन तक हम कुछ एक और कुछ अच्छा प्लान करें। ये तो हम कुछ देर के लिए मिले थे ना, थोड़ा लंबा थोड़ा एक दो दिन या एक दिन का फुल कुछ प्लान करेंगे, बढ़िया सा कुछ अच्छा सा नया बड़े लोग एक्साइटेड होंगे सुन के, कॉमेंट करके तो बता देना यार, ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना, पता कैसे चलेगा तुम्हारा रिस्पॉन्स तुम सबका, तो कॉमेंट करना और बताना आज का वीडियो कैसा लगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जाके जल्दी से लाइक करो और शेयर कर दो। ओके बाय बाय बाय।